वेलकम टू इंडिया स्टडी 3.1। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स एंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं उनके पावर क्या होते हैं और विषम परिस्थितियों में उनका दायित्व क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आईपीएस ऑफिसर राज्य स्तर पर सभी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी का हेड होता है। इसके अलावा एक आईपीएस जिले के समग्र कामकाज का प्रभारी होता है और इसके कर्तव्य और जिम्मेदारियों का हिस्सा होता है। पुलिसिंग प्रणाली में थोड़ी सी भी गड़बड़ी या खराबी ना आए ऐसा होने पर उसे हल करता है। जो पावर होता है पहला वो होता है प्राइमरी पावर। आईपीएस ऑफिसर का मुख्य कार्य है उनके अधिकार क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा। राज्य स्तर पर वे आईएएस ऑफिसर के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मा उठाते हैं। क्राइम रोकना, क्राइम की तहकीकात करना, एक्सीडेंट रोकना और उन्हें मैनेज करना, कैश ट्रांसपोर्टेशन को सुरक्षा देना, चोरी हुए सामान की रिकवरी देखना और रैली जैसे आदि लाउडस्पीकर की आज्ञा देना, ठीक है, यह सब इनके अंडर में होता है। सेकेंड, सभी सिक्योरिटी कमांडेंट को लीड करते हैं ये। आईपीएस ऑफिसर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जैसे सतर्कता संगठन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, खुफिया ब्यूरो, सीबीआई, बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी और सीआरपीएफ आदि को कमांड करते हैं। यही नहीं, आईपीएस अधिकारी सीबीआई केंद्रीय जाँच ब्यूरो, ठीक है, सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ठीक है, उसके बाद आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इनकी भी कमांडर की भूमिका निभाते हैं। पॉइंट 3, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना और वीआईपीजी को सुरक्षा देना। ठीक, आईपीएस अधिकारी की जिम्मा होती है कि वे राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखें और इसके लिए जो भी जरूरी निर्णय है वे ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपदाओं के समय व्यवस्था संभालना। किसी भी आपदा के समय उसके कारण का पता लगाना और यह देखना कि हालात कैसा भी हो शांति व्यवस्था भंग ना हो, और इनका ही कार्य होता है कि जैसे दंगे आदि के समय वे आर्म्ड फोर्स के साथ मीटिंग करके शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाते हैं। यही नहीं, इनके कार्य क्षेत्र में यह भी आता है कि पब्लिक लॉ का ठीक तरह से पालन करें, फिर चाहे नियम पर्यावरण संबंधी हो या ट्रैफिक संबंधी या किसी और क्षेत्र के संबंधी। पॉइंट नंबर 4, पुलिस फोर्स और आर्मी को करते हैं कमांड। आईपीएस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके क्षेत्र में संपत्तियों या लोगों को कोई शारीरिक या आर्थिक नुकसान न हो। ऐसा करने से उनके लिए उन्हें सक्रिय रहना होता है, साथ ही इस काम के लिए वे स्थानीय पुलिस सेवाओं का सहयोग करते हैं। यही नहीं, एक आईपीएस अधिकारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों की कमांड संभालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब विशेष उद्देश्यों के लिए क्षेत्र में सेना तैनात की जाती है ऐसे में उन्हें कुछ समय के लिए भारतीय सेना के साथ कोऑर्डिनेट करना और काम करना पड़ता है। तो दोस्तों ये इतना जो होता है पावर और रिस्पांसिबिलिटी होती है एक आईपीएस ऑफिसर की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और इसके बारे में कोई और जानकारी आपके पास तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाद जय हिंद जय भारत।